ऐसे काल बीत रहा था। एक बार भगवान की माया, भरत जी को कोई अज्ञान नहीं हुआ। एक संत से सुना भाव है कि एक संत अगर किसी जीव को प्रेम करे तो उस जीव की क्या गति होती है, यह समझाने के लिए एक हिरण का बच्चा उनको मिलता है। नदी में बहा जा रहा था, उसको उठा के ले आते हैं, उसको पालते पोसते हैं। अंत समय में मृग का चिंतन होने के कारण वे मृग बने अगले जन्म में, और वह मृग बनने के बाद भी उनका ज्ञान नहीं नष्ट हुआ। अगले जन्म में वे हिरण बन के कहां जन्म हुए, गिरनार के पर्वत में, और वहां से पैदल पैदल नेपाल के गंडकी में आते हैं, और गंडकी नदी में अपने शालग्राम के क्षेत्र में पुनः वहां उपवास रह के अपने शरीर को छोड़ते हैं। तीसरे जन्म में सनाट्य ब्राह्मण कुल में जन्म होते हैं। अब भी उनको याद है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट भरत था, ऋषभदेव का पुत्र, एक मृग में मेरी ममता हुई तो मृग बनना पड़ा, और अब ब्राह्मण कुल में आया हूं। जानबूझ के किसी से बात नहीं करते, उनके पिता उनको 24 अक्षर की गायत्री सिखाने लगे, वो भी नहीं, गायत्री को भी भूल गए, जप नहीं किए, जनेऊ कोई पहनाता तो निकाल के फेंक देते, नंग धड़म घूमते, लोग उन्हें जड़ भरत कहने लगे, जड़ मूर्ख। पिता का देहांत हो गया, भाइयों ने उनको अपना नहीं माना, भाभियों ने नहीं माना, भैया भाई तो भाई थे, जला कटा कुछ होता दे देते, सब छिलके इकट्ठे करती सब्जियों के, सब्जी सब्जी सब खा लेते, छिलके इनको डाल देते, ये छिलका भी खा लेते, जो कुछ बच जाता जूठन निकाल के इनको दे देते खा लेते, जो सड़ गया इनको देते खा लेते, कभी कच्चा आटा दे देते, रोटी कौन बनाए ये आटा भी खा लेते थे। एक बार इनको बोले काम काज कुछ करता नहीं है, इसको खेती का काम कराओ, तो खेती में खेती की पहरा देने के लिए ऊपर एक टीन बंधा रहता है, और एक रस्सी में एक डंडा बंधा रहता है, और उस रस्सी को खींचो तो डम 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 बजता है, उससे चिड़िया सब उड़ जाती थी। अब ये गए एक दो बार बजाए, डम डम डम, बढ़िया ये तो कीर्तन का स्थान है, अब ये तो राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम, और डम 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 बजाए। चिड़िया लोगों ने सोचा कि ये तो कीर्तन हो रहा है, सारी चिड़िया आके सबका सब खेत को चुग गई। भाई लोग आके देखते हैं तो कुछ नहीं बचा, बोला रे राम फूट गए करम, तूने ये क्या किया। भरत जी ने कहा ओ राम जीरी चिरैया राम जीरो खेत, खाओ रे चिरैया भर भर पेट। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भरत जी महाराज को उन सबने धक्का देके निकाल दिया। भरत जी महाराज तो आनंद से बोले कि घर भी भगवान का और बाहर भी भगवान का, देखो क्या चिंता है, जो यहाँ देता था वो वहां भी देगा। भरत जी महाराज वहां से चल दिए। रास्ते में जाते जाते एक जगह गुंडों का दल बलि का बकरा ढूंढ रहे थे, बकरा तो चला गया था, इनको पकड़ लिए, बोले इसकी बलि देंगे। खूब स्नान वान करा के अच्छा भोजन खिलाया। भरत जी महाराज ने कहा बढ़िया चलो अच्छा भोजन है, भोजन कर लिए, और बोले अब तुम्हारी बलि होगी। भरत जी बोले ठीक है, शरीर वो देने वाला लेने वाला भी वो। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ,
उनकी जी हुई जीवन है, वो ले जाएंगे तो ले जाएंगे, मैंने क्या दिया। हम तो 10 रुपया देके बोलते 10 रुपया हमने दिया और वे जीवन दे रहे हैं, कुछ नहीं है। बोले प्रभु का जीवन प्रभु ले जाए, आराम से सिर रख दिया है, काली जी की भद्रकाली का विग्रह सामने है और बलि का जहाँ पीठ है बलिपीठ उसमें सिर रखा है, एकदम पूजा चंदन आदि सब लग गया है, मंत्र पाठ चल रहा है और धार वाली विशाल तलवार से जैसे ही उठा के काटने के लिए तलवार नीची की, उसी समय विग्रह फट गया भद्रकाली का, उसमें स्वयं साक्षात भद्रकाली माँ प्रकट हो गई। बोलो भद्रकाली मैया की। उस बलि की तलवार को लेके जितने दस्यु वहां थे उन सबका सिर काट दी। भरत जी महाराज शांत स्वभाव से बस माँ को देखते हैं और वापस सिर को उसी में रख देते हैं, शायद माँ मेरी भी बलि लेना चाहे। माँ उन सब डाकुओं के सिर से अपने चार हाथों में खेलने लगी, हंसने लगी अट्टाहास करके और भरत जी महाराज पे कृपा दृष्टि करके चली गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो जो भक्त अपनी रक्षा की चिंता नहीं करता उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। एक था भक्त कीर्तन करते हुए जा रहा था, बगल में एक धोबी ने कपड़े धोके सुखाए थे। भक्त कीर्तन करते करते उसका हाथ लग गया कपड़ों की रस्सी में और वो सब कपड़े नीचे गिर गए। धोबी को आया गुस्सा, उसने डंडा पकड़ा और भक्त के पीछे भागा। भगवान वैकुंठ में ये दृश्य देख रहे थे, तुरंत भगवान सुदर्शन चक्र लेके नीचे आ जाते हैं। अब आधे रास्ते आने के बाद वापस चले जाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप गए थे, कहां से गए, कहां आ गए। बोले एक भक्त को एक धोबी मारने वाला था। बोला अब क्या हुआ। बोला अब दोनों धोबी लड़ रहे हैं। बोला भक्त कहां गया। बोला वही तो, वो भक्त हाथ में पत्थर लेके बोला तू मुझे मार, मैं भी हाथ में चूड़ी नहीं पहन रखा, मेरे भी हाथ में पत्थर है। तो भगवान बोले अब अपना क्या काम है, मैं अपना वापस आ गया। जो भक्त है वो प्रतिशोध की भावना नहीं रखता है मन में, तब भगवान का चक्र चलता है। और हम भगवान आंख बंद कर लेते हैं, भाई तेरे कर्म का तेरे को मिले। जो भरत जी महाराज की तरह एकदम निश्चिंत रहता है भगवान उसकी रक्षा करने आते हैं। भरत जी महाराज भागे नहीं, काली जी आ गई तो भी भागे नहीं, ना खुश हुए। और हम जैसा कोई होता तो बोला अब आया मजा, हम भक्त के साथ लग रहा था, भगत के साथ लग रहा था, जानता नहीं भगवान हमारे साथ साथ। ऐसे लोगों के पास भगवान नहीं आते, कुछ नहीं बोलते भगवान, शांत रहे। सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जित। शत्रु मित्र में जो समान, निंदा स्तुति में जो समान, अपमान सम्मान में जो समान, वह भक्त है। भरत जी महाराज आगे वन में विचरते होते हैं, रहुगण राजा की भेंट होती है। रहुगण राजा को बड़ा कठोर वचन कहते हैं, वह चरणों में गिर जाता है, तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है। चक्रवर्ती सम्राट रहुगण राजा परम योगी बन जाता है। अब बताओ ये रहुगण कौन। ये रहुगण वही मृग का बच्चा था जिसके मोह में भरत जी महाराज प्रेम में जिसके पड़े थे। अब बताओ, भक्त ने एक मृग के बच्चे को प्रेम किया तो वह चक्रवर्ती सम्राट बना। और केवल सम्राट बना ये नहीं, उसके बाद भी उसको तत्व ज्ञान भी मिला, मुक्ति भी मिल गई। तो अगर भक्त तुमसे प्रेम करता है तो भुक्ति और मुक्ति दोनों तुमसे दूर नहीं है, लेकिन उनके प्रेम को तुम
यू विल हैव टू कोऑपरेट भक्त। अगर गुरुदेव अगर तुमके कृपा करते हैं तो गुरुदेव जो बोल रहे हैं उसको मानो, ये नहीं कि गुरुदेव कुछ बोले और तुम कुछ और करो, नहीं बोलना मानना पड़ेगा।